स्वागत है दोस्तों। तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। महिला ने एक साथ 5 बच्चों को दिया जन्म, 3 लड़कियां और 2 लड़के। बिहार के सीवान सदर अस्पताल में एक महिला ने गुरुवार को 5 बच्चों को जन्म दिया है। जन्म लेने वाले बच्चों में 3 लड़कियां और 2 लड़के हैं। डॉक्टर सभी बच्चों को स्वस्थ है बता रहे हैं। हालांकि सभी नवजात बच्चों को स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट SNCU में रखा गया है। सदर अस्पताल की उपाधीक्षक रीता सिम्हा ने बताया कि शहर के इस्माइल तकिया निवासी मोहम्मद झुना की पत्नी फुलजहां खातून पहले से ही एक 4 वर्षीय लड़की की मां है। वो अपना इलाज पटना में करवा रही थी। इसी दौरान जब वो गर्भवती हुई तो सदर अस्पताल में इलाज करवा रही थी। प्रसव पीड़ा के बाद परिजन आनन फानन में गर्भवती फुलजहां को सदर अस्पताल इलाज के लिए लेकर पहुँच गए। यहाँ चिकित्सकों ने जाँच के क्रम में पाया कि पेट में 5 बच्चे पल रहे हैं। उपाधीक्षक ने बताया कि इस स्थिति में सिजेरियन के अलावा और कोई उपाय नहीं था। उन्होंने बताया कि सभी बच्चे स्वस्थ हैं। जन्म लेने वाले बच्चों में 3 लड़कियां और 2 लड़के हैं। उन्होंने कहा कि फुलजहां भी पूरी तरह स्वस्थ हैं। बच्चों को SNCU में डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। चिकित्सकों के मुताबिक बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर अभी बहुत कुछ ज्यादा नहीं कहा जा सकता। 24 घंटे के बाद कुछ कहा जा सकेगा। फिलहाल सभी नवजात स्वस्थ हैं। महिला की डिलीवरी कराने वाले डॉक्टर का कहना है कि महिला ने 2 लड़का और 3 लड़कियों को जन्म दिया है और नवजात का वजन 1 किलोग्राम से ज्यादा है। शायद यह इस अस्पताल में पहली बार हुआ है कि एक महिला 5 बच्चों को जन्म दिया हो।